हेलो एवरीवन, अगर आपको भी इस तरह की डबल रोल वाली वीडियो बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। इसके लिए पहले आपको थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी है, वो देख लीजिए। आपको फ्रेंड ऐसे पहले एक्टिंग कर लेनी है, यहाँ पर पहले एक्टिंग कर लेनी है। अभी ऐसे दिखाना है कि देखिए आपने शर्ट ओपन किया है, फिर वापस आपको अपना शर्ट या जैकेट कुछ भी पहने रहेगी आप खोल दीजिए उसको। उसके बाद वापस ऐसे छाती से रख के वापस ऐसे एक्टिंग करनी है, ऐसे एक्टिंग करके वहां चेयर के पास फेंक देना है। ये वाले एक्टिंग ऐसे कंप्लीट हो जाने के बाद आपको दूसरा एक्टिंग करना है, वो शर्ट पहन के करना है। यहां भी फिर आपको वही सेम एक्टिंग करना है। ये होने के बाद आगे का बताता हूँ मैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो मीडिया में जाके उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको इसको पहले प्ले करके देखना है। आप चाहे तो इस वीडियो क्लिप का वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ लगाना है तो सेलेक्ट कीजिए, इसको डाउन कीजिए, फिर यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, इसलिए वापस इसको ओके कर देता हूँ ऐसे करके। ऐसे बोलने के बाद मैं जैसे भी अपने शर्ट को ऐसे करने जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि शर्ट में हाथ कब रखा हुआ है, कब ऐसे मैं छिटकने जा रहा हूँ, कैसे मैं ये छिटकने जा रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे आके आपको इसको वीडियो को सेलेक्ट करना है, फिर आपको ट्रिम पे जाना है, फिर थर्ड वाले ऑप्शन स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करना है। ये होने के बाद ओके करना है, फिर वापस आगे जाना है। उसके बाद आपको शर्ट उतार देना है। शर्ट उतारने के बाद आपको आगे जाना है, फिर वापस से आपको अपने छाती में रख के उस शर्ट को छिटकना है। इस पोजीशन में आके आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ट्रिम पर जाइए, फिर यहाँ पर आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करना है, ओके कीजिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा प्ले करके देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको वापस आगे जाना है, फिर देखना है कि ये वाला फेंका कब है आपने इस शर्ट को, जब आप फेंकेगे जब यहाँ पे पहुँचेगा करीब, ठीक ये पोजीशन में आके इस वीडियो को आपको वापस सेलेक्ट कर लेने का है। वापस ट्रिम पर जाना है, वापस स्प्लिट एट प्ले हेड करना है। उसके बाद आप ये वाला मार्क को ध्यान पर रखिएगा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे और एक लेयर लगाना है। अब वापस वीडियो प्ले करके देखेंगे, पहले ओके कर दीजिए, शर्ट फेंक लिया। अभी आपको आगे वाले रोल में जाना है, जब आपने दूसरा एक्टिंग किया, शर्ट उट पहन के बैठ गए, फिर आप देखेंगे कि आप यहाँ पे झटके से बैठे हुए, थोड़ा सा देखिए ऐसे झटके से बैठा हो ना, बस तो वही टाइम में आपको थोड़ा सा पहले आपको वापस से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वापस से आपको ट्रिम पर जाना है, वापस से आपको स्प्लिट एट प्ले हेड करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद वापस से इस वीडियो को सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर डॉट पे जाना है, डुप्लीकेट एज लेयर करना है। ये सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे जो ऊपर वाला वीडियो है उसको वापस से डिलीट कर देना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। होने के बाद आपको जो धुंधला सा दिख रहा है उसको ही खींच के आगे ले जाना है, जहाँ पे मैंने बोला था कि वो मार्क समझ के रखिए, जहाँ पे आपने शर्ट को फेंका था, ठीक है। यहाँ पे आगे पे ला दिया मैंने पहले वाले लेयर पे, तो इसको वापस सेलेक्ट करना है नीचे वाले वीडियो को। उसके बाद इसको थोड़ा स्प्लिट कर देना है, थोड़े से स्प्लिट होने के बाद आपको नीचे जाना है, क्रॉपिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको मास्क को सेलेक्ट करना है। इस शेप में आपको ये वाला नहीं लेना है, ये सेकंड वाले ऑप्शन को लेना है। इसको आप फिर ये सेकंड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा इधर कर दीजिए,
ये सेलेक्ट होने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो दीवार का कलर है वो मैच करने के लिए आपको क्या करना है, वापस इस वीडियो को सेलेक्ट करना है, वापस से क्रॉपिंग पे जाना है और इसमें फेदर को थोड़ा बढ़ा देना है। आप जितना हिसाब से बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, तो इतना वो पता नहीं चलेगा आपको। इसके बाद आप वापस से इसको प्ले करके देखिए। देखिए आपका पूरा वीडियो बन गया है एक्चुअली, देखिए। यहाँ पर आप चाहे तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑडियो में जाना है, फिर वहाँ से आपको जो भी म्यूजिक लगाना है आप लगा सकते हैं। पूरे वीडियो बन जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में शेयर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सपोर्ट कर देना अपने क्वालिटी के हिसाब से। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।